सो हेलो गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज किसी और न्यू वीडियो में, जिसमें कि अगेन हम जा रहे हैं दोबारा से होड्रॉप पे। अब तुम्हें पता होगा बीजी भाई में एक न्यू अपडेट आ चुका है, सॉरी बीजी भाई में बोल रहा हूँ पबजी मोबाइल में, ठीक है, वो रोबोट वाला, और तुम्हें वो बीजी भाई में भी उसका देखने के लिए मिल रहा होगा कि हाँ एक न्यू अपडेट आने वाला है हमारे उसमें। तो जैसे ही गेम में बीजी भाई में न्यू अपडेट आएगा तो हम वो खेलेंगे। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं खेल सकता था यार अब ग्लोबल वगैरह, बट मेरा मन नहीं करता। जब हमारे लिए बीजी भाई है देन मुझे ग्लोबल में जाने का मन नहीं करता। ग्लोबल में मेरे पास आईडी भी अच्छी खासी है, दोस्त के लोग खेलने के लिए, ठीक है, पर फिर भी मैं गया नहीं क्योंकि यार वहाँ पे पिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है भाई। तुम चाहे कोई सा भी वीपीएन कनेक्ट करके खेल लो, बट ग्लोबल में वाला मज़ा नहीं आता जो अपने बीजी भाई में आता है। तो तुम कौन कौन मेरी बात से एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी फिलहाल उतरे हुए थे होट रोप में और आज हम खेल रहे थे सिल्वनस एक्सूट पहन के, साथ में लेके फुल M4 और ग्लेशियर UMP। अभी तो देखो मैंने एक बंदा ही मारा था सिर्फ, और भाई बंदे इस बार यहाँ पे पता नहीं कितने ही बंदे आए हुए थे। अभी मैं एक पोर्टल बनाता हूँ, इधर आता हूँ, और यहाँ पे ऊपर बंदे थे तो देखना कैसे मारा इन बंदों को। सबसे पहले एक गोली डाल देता है, गोली से बंदा खत्म है। अब मैं यहाँ से नीचे से जा रहा था पर मुझे एक बंदा नॉक कर लेता है, तो सीधा कवर में जाता हूँ। पर हाँ, जिस बंदे के ऊपर मैंने गोली डाली थी वो बंदा सक्सेसफुली मर चुका था और अपना मकसद पूरा हो गया। ऐसे यहाँ पे मकसद के लिए खेलते हैं भाई, सीधा मकसद पूरा करते हैं। तो फिलहाल इस वाले बंदे को अगेन मार देता हमने मोली से। अब यहाँ पर 2 किलो चुके थे, मुझे मिलता है एक ईजी सा रिवाइव जो कि मुझे चाहिए ही था। अभी जाने वाला था तुम्हारा भाई एक ऐसी जगह पे, तो मैं बताया गया ऐसी जगह, वो बहुत ऊपर जाने वाला था, मैं सीधा बोट के ऊपर जाके बैठ जाएंगे और इसको भी फिनिश कर देता हूँ। पता नहीं किसका नोक है, मेरा नोक तो नहीं था। अब जैसे इसको फिनिश करा, इसकी लूट ली और ऊपर आए। तो क्या गाइस, तुम भी बीजी भाई टूर्नामेंट्स खेल के 5 लाख रुपए तक जीतना चाहते हो तो गाइस ये वाला पार्ट एंड तक देखना। तो गाइस देखो ये ऐप है सो स्ट्रॉन्ग, जिसके गाइस 35 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, और गाइस ये वाला ऐप भाई 10 करोड़ से ज्यादा की विनिंग्स लोगों को दे चुका है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको यहाँ पे काफी टाइप्स के टूर्नामेंट्स मिलते हैं, स्पेशली गाइस इंस्टेंट टूर्नामेंट्स जिनमें की गाइस जीरो वेटिंग टाइम है। और इस ऐप में और ऐप्स की तरह कस्टम रूम की जरूरत नहीं है, सिंपली अपना क्लासिक रैंक मैच खेलो गाइस जैसे कि तुम रोज खेलते हो, और सो स्ट्रॉन्ग आपके किल्स डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा। और तो और गाइस सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा बेस्ट है। और गाइस सो स्ट्रॉन्ग का लिंक मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, वहां से जाकर डाउनलोड करो। गाइस सबसे पहले जाने वाले 1000 बंदों को मिलने वाला है 600 रुपए तक का बोनस, जिससे कि तुम फ्री टूर्नामेंट्स खेल सकते हो आराम से। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। और गाइस मेन बात तो ये है कि इस ऐप में तुम जो भी पैसे जीतते हो तुम इंस्टेंटली UPI, पेटीएम और गाइस फोन पे और अदर नेट बैंकिंग सोर्सेस के थ्रू तुम यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हो, तो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे। पोगेम्बो खुश हुआ। तो गाइस देर की इस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से और गाइस जीतो 50,000 डेली। लिंक जो है गाइस डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, अभी जाके डाउनलोड करो। अब देखो फिलहाल मैं ऊपर तो आ चुका था, बट जो नीचे वाला बंदा था भाई वो छुप चुका था, और अब मुझे नीचे कूदना ही होगा क्योंकि मेरे पास एक और टेलीपोर्ट नहीं है। और अगर तुम कभी यहाँ पे चढ़ जाओ और तुम्हें नीचे उतरना हो तो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ। सीधा तुम ये यहाँ पे कैनन होती है, कैनन मतलब कि तोप, ठीक है, तो सीधा इस पे कूद जाओ और बस तुम्हारी थोड़ी HP कम होगी, उसके बाद थोड़ी HP बच जाएगी। यहाँ पे मैं फर्स्ट एड लगाता हूँ बारी दूसरे वाले बंदे को मारने की जो कि नीचे आ चुका था। पर यहाँ पे एक दिक्कत नहीं थी, अभी मेरे सामने कुछ बंदे थे जो कि भाई मेरा बिल्कुल एम बिठा के बैठे हुए थे मेरे ऊपर, और वो वाला बंदा मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था। मैं सोचा पहले यहाँ पे होगा वो, और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहा था उसको, और मुझे अंदर जाते हुए बहुत डर लग रहा था क्योंकि भाई कहीं पे भी बैठ जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं था वो बंदा। और वो जो है भाई एग्जिट मार गया था यहाँ पे, और उसके चक्कर में जो मैं नीचे उतरा भाई क्या होता, मैं भी सामने भी बंदे थे, एक बंदे के मैं नेट मारता हूँ पर मैं नोक हो जाता हूँ और वाले बंदे को पूरा फिनिश कर देता हूँ नेट से, देखना अभी मुझे पड़ती है भाई बिल्कुल ही अलग जगह से, अलग ही एंगल से। अब यहाँ पे मैंने नेट मार के उसको नॉक और फिनिश कर दिया था। अब बारी थी यहाँ पे और बंदों की जो कि मेरे सामने था। सबसे पहले M4 से इसको मारा, बारी थी इसके टीममेट्स की, तो इसके टीममेट्स को भी अभी ख़त्म करते हैं। मेरे टीममेट यहाँ पे मर चुके थे आधे, और आधे ही बच रहे थे, तो वही अभी जितने भी टीममेट मेरे यहाँ पे बच रहे थे मुझे उसके साथ यहाँ पे निकलना है बस पूरा किसी न किसी तरीके से। यहाँ पे इस वाले बंदे को मारा पीछे से, भाई पता नहीं कहाँ पे TV ले रहा था ये बंदा, तो यार पागल हो गया था बिल्कुल। अभी देखो HP काफ़ी ज़्यादा लो हो गई थी, तो बैंडेज वगैरह भाई जो थी वो ही लगाया मैंने। अपने टीममेट से लिए एक फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड लगाने के बाद सीधा हम जाते हैं जिनको समन करने की, भाई रात हो चुकी थी, और जब रात हो जाती है तो जिन नहीं आता भाई, तो सबसे पहले हम जाते हैं जिनको समन करने, और जिनको समन करने के बाद सीधा हम एग्जिट मार जाते हैं वहाँ से। हमें कारपेट रिकॉल सब कुछ मिल चुका था। अभी हमारे नीचे जा रही थी एक US, इस US को देख रहे हो, मैं सोच रहा था इसमें 4 बंदे होंगे पर इसमें हरामखोर एक ही बंदा निकला, पता नहीं क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं बंदे। मैं तो इसके बिल्कुल पीछे पड़ गया था, पीछे अपार्टमेंट में भी कुछ बंदे थे उनको छोड़ के मैं इसके पीछे पड़ा, पर ये तो एक बंदा निकला, और जैसे मैंने देखा ये एक बंदा, मैंने कहा साले को इसको ही मारो, इसको ही मारो भाई पकड़ के, इनने टाइम ख़राब कर दिया अपना। तो देखो ये देखो भाई बंदे को पता नहीं लगा कि कहाँ से उतरे हो,
कहाँ से, जब इसे यूँ ही नहीं पता ये चार बंदों वाली गाड़ी अकेला बंदा उठा के घूम रहा है साला हरामी, बाइक बाइक पे जाने दे ताकि हमें दूर से ही पता लग जाए कि तू एक बंदा है। नहीं भाई ये तो चार बंदों वाली गाड़ी उठा के घूमेंगे। तो फिलहाल अब दोबारा से हम चटाई उठा के आते हैं और यहाँ पे एक बंदा आराम से अपने टीममेट्स को रिकॉल कर रहा था कि हाँ भाई आ जाओ आ जाओ, बट ऐसा होने नहीं देंगे भाई, सीधा यहाँ पे हम उतरते हैं और ये बंदा कुछ नहीं गोली मारने लगा। एक तो साले ने पहन रखा गिली सूट, ऊपर से कर दी अपने टीममेट रिकॉल। अब यहाँ पे इस वाले बंदे को नॉक कर देता बारी इसके टीममेट्स की जो कि हवा से उतर रहे थे। बेटा आओ तुम्हारी तो फिराक में हूँ मैं, तुम्हारा इसके एक और टीममेट के और अभी बारी थी इसके दूसरे टीममेट की, तो इसे फिनिश कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। ये रहा एक और भाई सारे के सारे बंदे खत्म हो गए यहाँ पे, पूरा का पूरा सिस्टम ही ला दिया इनका। अब यहाँ पे ये सारे के सारे बंदे मारने के बाद अपने अच्छे खासे किल हो चुके थे। अब जाना था हमें गाइस अपार्टमेंट्स पे, तो बताया अपार्टमेंट्स पे तगड़ी फाइट होती है। तो अपार्टमेंट पाए और सामने बंदे दिखे दो काली करते हुए, जिनमें से कि एक बंदे को आराम से नॉक करा। और आजकल मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है भाई, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, इधर उधर हो जाता है सब कुछ, बहुत ज़्यादा क्लोज रेंज में बहुत दिक्कत होती है। तो अभी फिलहाल एक बंदे को नॉक कर देता मैंने M46X से, बारी थी उसको मारने की, तो मैं अपने टीममेट को बुलाता हूँ और हम जाते हैं भाई कालीन से इससे। और चटाई लेने के बाद हम जैसे ही जाते हैं देखो क्या हुआ आगे, इस बंदे को मेरे टीममेट ने नचा दिया और हम पोर्टल से अपनी चटाई डाली पोर्टल के अंदर, देन सीधा इस बंदे को मार दिया। तो इस वाले बंदे को मारने के बाद हमारी बारी थी गाइस पोचिंग की बजाने की, क्योंकि अगर कहीं पे बंदे ना मिले तो चले जाओ पोचिंग की, तुम्हें दो तीन बोट या रियल बंदे तो मिल जाएंगे। हमें यहाँ पे चर्च में मिले कुछ रियल बंदे। अभी लैग हो रहा है गंदा, ये देखो एक बंदा भाई पूरा चटाई पे मारना शुरू कर दिया इसने, पता नहीं क्या ही पागल हो गया साले, फोड़ेगा क्या चटाई को, फाड़ेगा हमारी। अभी इसका एक और टीममेट भाई सीधा विंडो में जाने की कोशिश कर रहा था, तो इसको लपका, कहाँ जाएगा, नहीं नहीं कहाँ जाएगा भाई, तो चढ़ के थोड़ी ना जाने देंगे ऐसे। अब एक पोर्टल बनाता हूँ और सीधा सामने वाले बंदे पुश करता हूँ भाई, मुझे बहुत मजा आता है पोर्टल यूज़ करने में, कुछ भी बोलो। पोर्टल बनाया मैं सीधा भी जा सकता था, बट वही नक्शेबाजी नक्शेबाजी भाई छूटनी नहीं चाहिए कभी भी, मौज मस्ती चलती रहनी चाहिए, ये मानना है मेरा। तो अभी फिलहाल इस वाले बंदे को ही मार देता, दोबारा से हमने एक चटाई उठाई और गाइस अब मरने वाले हैं पूरे के पूरे चार बंदे, वो भी मेरे हाथों। अब होने वाला है एक 1v4 खतरनाक, देखना यार सामने बंदे इस कोड हाउस पे वेयर हाउस पे। बस मैं तो चटाई ले गया, मैंने अपने टीममेट को कहा, मैंने कहा डरो मत टीममेट, गाइस मेरे डर जाते हैं ऐसा थोड़ा इंटेंस सिचुएशन देख के, मैंने कहा डरो मत सालो अभी रुको मारते हैं। सबसे पहले ये बंदा गया अंदर जाने की कोशिश थी इसकी, नॉक कर दिया। एक और बंदा आया इसको भी मारा काफी ज्यादा आराम से, बार ही थी एक और बंदे की जो कि मेरे टीममेट के पीछे पड़ गया, इसको भी मारा। अब बच रहा था इनका लास्ट बंदा जो कि बिल्कुल सामने था, इसको मारो ना 1SP यहां खड़ा है। तो जब इसके तीन बंदे मार दिए तो इसको लास्ट वाले को छोड़ेंगे हम। तो इसी के साथ गाइस 1v4 लाइक कर देना अगर तुम्हें पसंद आया हो तो, और 17 किल हो चुके अपने। अब यहाँ पे इनकी पेटियों से भाई लूट लेते हैं, क्योंकि लूट लेना गाइस काफी ज्यादा जरूरी है, सालों ने एमओ वेस्ट करा दी, सब कुछ लूटेंगे भाई इनकी पेटियों से। 6x वगैरह है ही मेरे पे, और भाई जब फूल लगा लेता हूँ मैं फूल M4 भाई सेक्सी लगती है एक नंबर की। अभी फिलहाल हम जाते उड़ते उड़ते हुए तभी हमें एक नीचे सपोला दिख जाता है, मैंने कहा ये नागिन को तो मारना ही पड़ेगा हराम जादे वो यहाँ पे जंप कर दो, मेरी HP लो और हाथ फिसला मेरा। मैं बोल रहा हूँ जैसे कि मेरे हाथ से भाई आजकल इतना आ रहा है मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, पहले नहीं मेरे साथ हुआ करता, तो मुझे फिंगर स्लीव साइज खरीदनी पड़ेंगी अब, और जिसमें कि मैं AC में बैठ के खेलता हूँ तब भी पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है भाई, या तो मेरा आईपैड ज़्यादा हीट होने लगा आजकल, और ये मेरा नया आईपैड है पुराना भी, मतलब मिनी 5 में जिसमें मैं खेला करता था वो तो मैंने कब का छोड़ दिया तुम्हें पता होगा, मैं मिनी 6 में खेलता हूँ, बट इसमें भी। अब मैं यहाँ पे अपने टीममेट्स को बोल रहा था कि भाई बैठ जाओ सामने बाना उस पे बंदे हैं आओ मारने चलते हैं, बट बड़ी मुश्किल से एक बंदा बैठा और मैंने अपना सीधा कालीन ऊपर उड़ाया, उसी के साथ एक एनर्जी ड्रिंक। भाई अब गाड़ी पे हीलिंग लगा सकते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक वगैरह ये सबसे सही चीज़ लगती है, मतलब बहुत टाइम बचता है इससे, और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम इस चीज़ से बच भी जाते हो, कभी तुम्हें कोई चेस कर रहा हो भाई गाड़ी में हीलिंग लगा लो कि भाग जाओ, पहले नहीं ये कर सकते थे, बट अभी हम यहाँ पे ऊपर उठ रहे थे और नीचे ही हमारे बंदे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना काली छत पर रुकता हूँ, बंदे बिल्कुल सामने, तो देखना कैसे मारा एक बंदा, तो ये बहुत बुरा फंस गया गिली सूट वाला, इसको नॉक करा और अपने टीममेट को बोला मैंने कैसे पूरा फिनिश कर दो ये जान नहीं चाहिए, मेरे टीममेट्स ने इसको पूरा फिनिश कर दिया था। अब बारी थी यहाँ पे दो बंदों को मारने की और उनको भी गाइस मारेंगे छोड़ेंगे, बिल्कुल सामने ही थे भाई, बहुत परेशान करा, कभी मैंने इन पर कोई और ग्रेनेड डाला, कभी मैंने इन पर डांस वाला ग्रेनेड डाला, कभी मैंने इन पर मोली डाली, पर इतने हराम खोर बंदे थे कुछ नहीं लगा इनके, पता नहीं कहाँ पीछे हो जा रहे, कभी कुछ हो जा रहे, और पीछे भी और बंदे आ चुके थे जो कि इनके भी मार रहे थे और तो और मेरे भी टपा टप दे रहे थे। मैंने कहा भाई ये क्या सीन हो रहा है यहाँ पे, चारों तरफ से पट रही है यहाँ, तो देखना गाइस क्या हो रहा था हमारे साथ।
अब यहाँ पे एक नेड़ मारता हूँ मैं पीछे, पर मेरे पड़ रही थी भाई बहुत बुरे तरीके से पड़ रही थी, मैं क्या ही बोलूं। अब एक और नेड यहाँ पे डाला, इतने में तो मेरी एचपी इतनी कर दी थी, मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं डाल रहा अब कुछ, मैं खेल ही नहीं रहा भाई, मैं तो सीधा पुश करूंगा अभी इन बंदों पे जो क्लोज रेंज में है हमारे। भाई बहुत हरामी बंदे थे, फिर भी मेरे पास जितने ग्रेनेड वगैरह बच रहे थे जितने भी थोड़े बल से मैंने उनका यूज़ करा। एक और यहाँ पे ग्रेनेड डाला, क्योंकि जब तक तुम्हारे पे भाई यूटिलिटीज़ हैं तुम उनका यूज़ करो अच्छे से। तो फिलहाल मैंने नेट डाला, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने एक और डांसिंग ग्रेनेड डाला और इसमें ये नाच चुके थे, अब मुझे करना था भाई इन पे पुश। वो पीछे वाले देखना एक बंदे को कैसे मारा, दोनों बंदे नाच गए थे वैसे, एक बंदा यहाँ पे था इसको मारा, अब एक बंदा बिल्कुल कोने में बैठा हुआ था उसको भी मार दूंगा। एक यहाँ बैठा है और ये गया भाई डांस वाला ग्रेनेड मारा, मतलब ऐसे छोटे घरों में तो काम आ जाता है तुम्हारे, बट अगर कोई बड़ी जगह होगी तो भाई बंदे मतलब निकल जाते हैं उससे, इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट अगर तुम छोटी जगह पे मार दोगे तो बंदे नाश्ते के नाश्ते ही रह जाते हैं। तो मुझे बताना तुम्हें क्या लगता है कि डांस वाले ग्रेनेड की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कि लेजेंड भाई तुम इधर यूज़ कर सकते हो उधर यूज़ कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता वो चीज़, ठीक है ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अभी भाई 21 किल कर दिए थे, 11 बंदे लाइव थे, इनको भी मारना है बहुत बुरे तरीके से, पर ये सामने वाले बंदे जो है ना भाई बहुत आरामी है, मैं यहाँ पे चटाई वटाई खोलता हूँ पर मारना शुरू कर देते हैं। देखो बैठा मैं और ये देखो भाई ये तो भर देंगे भाई हमें, इतनी जल्दी भर देंगे मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। अब मैंने चटाई अंदर कर ली थी पर ये बिना फ्यूल वाली चटाई आ गई थी मेरे पास, तो दोबारा से अब उठाते हैं चटाई जिसमें फ्यूल होता है भाई, अपने कमर पर गोली खा के इस वाली में तो फ्यूल ही नहीं था गाइस। उसके बाद दूसरी चटाई उठा के आए हम इधर और अब मारना था इन वाले बंदों को, क्योंकि पहले अमीन के पीछे थे वो अमीन के पीछे आ गए, तो आराम से इस वाले बंदे को टपकाया। 22 किल हो चुके थे, अभी बच रहे थे सिर्फ दो बंदे हमें छोड़ के, उनमें से एक लास्ट वाला बंदा मैं मार देता हूँ और एक मर जाता है जोन में खुद पर खुद, पता नहीं भाई क्या सीन होता है इस गेम में, खुद पर खुद बंदा मर गया वो। तो फिलहाल इस वाले बंदे को मार दिया था, बच रहा था एक लास्ट वाला बंदा, तो मैंने तुम्हें बोला इस मैच में 23 किल हुए और वो वाला बंदा खुद ही मर गया। सो होप सो गाइस तुम्हें आज के लिए गेम प्ले वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि गाइस तुम लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना, और जो तुम्हें बढ़िया लगा हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आगे तुम कैसी वीडियोस देखना चाहते हो ये भी तुम मुझे बता सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में किसी एक और न्यू गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो मोर अपडेट्स के लिए, एंड बाय बाय टेक केयर एंड पीस आउट गाइस। भाई ने लॉबी का लेवल शो कर दिया।